सो गाइज वेलकम बैक टू सागर तिवारी व्लॉग। आप सभी का स्वागत है। थंबनेल लेके आपने देख लिया होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज जा रहा हूँ निमराना फोर्ट, वो भी सोलो व्लॉगिंग है। तो एक दिन अपने आप को देना था और जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वो मैं फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। मैं आज तक गया नहीं हूँ, बस दूर से देखता रहता हूँ। तो मेरे माइंड में वो एक आया ना कि हाँ चल यार निमराना है क्या, निमराना फोर्ट देखते हैं। और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है, काफ़ी लोगों के मन में डाउट भी रहता है जैसे कि मेरे मन में डाउट था। सो वहाँ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और मैं दिखाता हूँ निमराना फोर्ट। एंड जो मैंने वहाँ पे बुकिंग करी है डेट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव और बहुत ही आलीशान, बहुत ही ज़बरदस्त वो मेरा रूम है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और ये एक सोलो व्लॉगिंग है। बाकी अभी मैं दिल्ली कैंट में हूँ, ट्रैफिक हो रहा है और गाड़ी मेरी पंक्चर हो गई थी लेकिन मैंने सिर्फ हवा भरवाई है। बाकी अभी रास्ते में किसी पेट्रोल पंप पे दिखा लेंगे, वो लोकल बंदा था तो मैंने कहा भाई तू हवा भर दे वरना वो 20 तरीके के क्वेश्चन, भाई साहब ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है पता नहीं कैसा हो सकता है। तो चलते हैं, अभी निकल रहे हैं, मतलब रास्ते में है, मतलब जा ही रहा हूँ मतलब। और वहाँ पे अंकल आंटी मिलेंगे मुझे, सैनी के मम्मी पापा, क्योंकि उनका भी एक वहाँ पे इवेंट है, वो एक फंक्शन अटेंड करेंगे। सो अगर कुछ ऐसा होगा तो हम ज़रूर उनसे मिलेंगे, वार्तालाप करेंगे, बातें करेंगे और साथ में ब्लॉगिंग करेंगे। और वन डे सोलो ट्रिप दिल्ली टू निमराना, जुड़े रहना यहीं पे, जाना नहीं है कहीं। और प्रोटीन साथ में है, पूरा बैग वैग साथ में, ऐसा लग रहा है कि मैं 10-12 दिन की ट्रिप करने के लिए जा रहा हूँ भाई। तो ये अभी पंक्चर भाई से लगवा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो भाई ये पंक्चर भाई देखेगा है भी कि नहीं है, क्या चक्कर है इसमें। और मानेसर का टोल पार कर लिया अभी बाबू, 3 पंक्चर और इसका वाल खराब, टायर फटने वाला था थोड़ी देर में भाई। बाबू खास 1800 रुपये तेल गाड़ी में और उसके बाद जो गाड़ी के जो ये पॉइंट है ये जो think it's dawned on me that you ain't coming back I've lost my chance to see us find our way back and in the end बाबू माँ से इसलिए प्यार इतना ज़्यादा है क्योंकि बच्चा कहीं भी जाए सामने देखो सब कुछ है लेकिन मेरे को अपना भाई डाइट फूड खाना है। और ये रहे हमारे ब्राउन राइस, ये रही हमारी कड़ी, तब ये खा लें और फिर पहुँचते हैं। तो खास निमराना से राइड लेने के बाद अंदर 600 मीटर जाने के बाद फिर से राइड है निमराना फोर्ट पैलेस। और ये ऊपर पहाड़ों की तरफ जाएंगे और साथ में लकड़ी की दुकान बढ़ेगी, इससे आप बेड बनवा सकते हैं आपकी शादी के टाइम पे। और ये लोग बैठे हुए हैं। सो फाइनली पहुंचे हैं निमराना फोर्ट, देखिए आपके सामने ये 4 बड़े बड़े शाही दरवाजे और वो देखो सामने आ गया, वो आ गया करण अर्जुन यहीं पे रुका करते थे जब उनकी मूवी की शूटिंग चलती थी। और ये खास सांड यहाँ पे बैठा हुआ है, वेट कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड का, निमराना फोर्ट घूमने गई है। और ये देखो एंट्रेंस, फाइनली फाइनली ये भाई फाइनली पहुंच चुके हैं निमराना फोर्ट के बाहर। और गाड़ी दे दी पहले में, हाँ लगेज यार देता हूँ मैं। ये है सारे, ये भी दे लेना, ये भी लेके जाना, हाँ। भाई साहब हमारे बैग लेके जा रहे हैं। ये इसकी एंट्रेंस है, वैले पे गाड़ी दे दी हमने और वैले फ्री है। बाकी आपको सारी कहानी बताऊंगा मैं अंदर चल के। लंच आपका 12:30 to 3 आप इसी रेस्टोरेंट, सेम वैल्यू। डिनर इज 8 to 10:30 आप इसी रेस्टोरेंट। एंड 4:30 वी हैव टू इवन गाइडेड टूर आल्सो इन गेस्ट लाउंज एरिया, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कम आउट ऑफ लॉबी। टी कॉफी 5 to 6 इन हवा महल, ओके इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम अवर साइड। राजमहल 11 to 10:30
यू कैन ऑर्डर अला कार्ड इफ एनीथिंग लाइक जस्ट लाइक ड्रिंक्स और स्नैक्स एनीथिंग एल्स रूम सर्विस इज नॉट हियर सर ओके डांस परफॉर्मेंस 7 to 8 इन झारझम में एक्टिविटीज डिस्कार राइट और चार्जेस ऑलरेडी मेंशन इन दिस योगा 7 to 8 स्विमिंग पूल टाइमिंग 7 to 7 एंड दिस आर द एक्सटेंशन नंबर्स आप सिला मैल जस्ट हस्कबिन डेस्क पे जाके बता दीजिएगा ठीक है आपको रूम का स्कॉट कर देंगे आपके लगेज में शीला मैल बोलते हैं ठीक है और शीला मैल हमारे महल का नाम है ये यहाँ की एंट्रेंस है ये रिसेप्शन है यहाँ से एंटर करते हैं बाकी अभी इनको हैंड ओवर करना है शीला मैल और ये पूरा वेटिंग एरिया है जब तक आपका रूम रेडी नहीं होता तब तक यहाँ पर आपके लगेज रखे जाते हैं जस्ट नेक्स्ट टू रिसेप्शन और यहाँ से सीधा आप चढ़े जाओगे मंजिल पे सो ये एंट्रेंस है यहाँ पे आ चुके हैं नीचे रिसेप्शन था देख लिया अभी हमें 1 घंटा लग जाएगा वेट करते करते क्योंकि अभी हमारा रूम रेडी नहीं है और जो महल है जिसका नाम है वो है शीला महल क्योंकि जैसे कि मैंने बताया शीला की जवानी तो देख नहीं पाया बाबू तो शीला महल में ही हम रुक जाते हैं एंड अभी 20 से 25 मिनट्स का वेटिंग टाइम है और फोटो सेशन चल रहा है बहुत तगड़ा देखो ये देखो ये देखो और ये पूरा निमराना एरिया है ये फोर्ट है इस फोर्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा पूरा I've lost my chance to see us find our way back. So ये हमारे जो रूम का नाम है वो है शीला महल और ये इसकी एंट्रेंस है ये प्राइवेट बालकनी है पूरी ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चेयर्स हैं टेबल हैं और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है बाबू और सबसे टॉप पे ही हम निमराना के ये बस ऊपर है लेफ्ट साइड में मेरे स्विमिंग पूल है वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में और ये है यहाँ का आलीशान रूम और ये देखिए ये चेयर्स हैं एक ये बेड है एक वो बेड है एक वो बेड है सोना मैंने अकेले लेकिन इतने सारे रूम मतलब इतने सारे बेड्स हैं और ये मेरा लगेज यहाँ पे रखा हुआ है जैसे कि शूज़ हैं प्रोटीन है और इसमें सारे लगेज हैं एक वाटर बॉटल रखी है और ये बाथटब और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉवल और ये मैं पूरा ये विंटेज डिज़ाइन है राजाओं महाराजाओं वाली ज़िंदगी जिएंगे और साथ में एक ये बाथरूम है और ये एक झूला है इस पर हम झूल सकते हैं झूला सकते हैं सब कर सकते हैं इस पर और ये यार भाई एसी चल रहा है बड़ी ठंड सी लग रही थी और ये ऐसे ही वीडियो एडिटिंग वाला जोन बन जाएगा बाकी ये पूरा रूम है एंड इसकी जो कॉस्ट है वन नाइट स्टे की वो है 29,000 रुपीज़ पर नाइट सो दिस इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव रूम इन निमराना फोर्ट निमराना पैलेस होटल जो भी है सो बस एक बार ये था कि भाई लग्जरी स्टे लेना है लग्जरी नाइट स्पेंड करनी है और यहाँ की वाइब जो विंटेज वाइब है ओल्ड वाइब है वो फील करनी है सो इसलिए मैंने ये रूम बुक किया है और बहुत ही आलीशान है मज़ा आने वाला है मज़ा क्या अकेले रहूँगा बाकी अभी सीधे पूल पे जाएंगे और ये पूरा बाहर का है यहाँ से दिखा देता हूँ मैं ये इसका पूरा आउटर एरिया बाकी ये सारे महल हैं बस ये मेन है और इस निमराना फोर्ट में हर कोई नहीं आ सकता अगर टूरिस्ट लाइक अब विज़िटर हैं तो 11 से 2 बजे तक अलाउड है जिसमें आपकी 2500 रुपये एंट्री है 2500 पर पर्सन इंक्लूडिंग लंच कॉस्ट है उसमें बाकी आप ऐसे नहीं आ सकते एंटर नहीं कर सकते हैं और बेसिकली ये होटल है पुरानी प्रॉपर्टी है इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल लास्ट में दे दूँगा आपको अब चलते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर पूल में चलेंगे और नहाएंगे ज़िंदगी जिएंगे बाकी रात का व्यू इसका बहुत ही डिफरेंट है बहुत ही किल वाइब है यहाँ पे और जो मैं फ़ोटोज़ और वीडियोस बना रहा था वो वहाँ से बना रहा था जहाँ पे वो लड़का लड़की खड़े हुए हैं सोचिए देखिए मैं वहाँ से
यहाँ पे ये पूरा अपना है बाबू। और ये रात का व्यू गाइस कुछ ऐसा यहाँ पे, और रास्ता में भटक गया हूँ, देखता हूँ कहाँ पहुँच गए हम। ये हाँ जा रहा है रूम की तरफ, और सबसे टॉप पे अपना रूम जहाँ पे इस महल को हम ऊंचाइयों से देख सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं लेफ्ट ले लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि लेफ्ट राइट सब अपना है। और एक छोटी सी लाइट लगी है जो हमें, इस लाइट की बहुत वैल्यू पता है, इसकी बहुत वैल्यू, तुम जान नहीं सकते इसकी वैल्यू, इसकी बहुत तगड़ी बात है। ये हमें डायरेक्शन दे रही है और भूतों से बचा रही है। रात का नज़ारा बाबू कुछ ऐसा है, ये रूम से जो बाहर का व्यू है वो ऐसा है कुछ, ये लाइट्स इतनी प्यारी लग रही हैं, और सामने भी गाना बज चुका है, और वो देखिए वहाँ पे लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, बाहर का कुछ व्यू ऐसा। और एक फ़ोटो लगा रहा हूँ इसके साथ में जिससे आपको रात के व्यू की शक्ल दिखेगी। और ये निमराना सिटी पूरी जो टिमटिमा रही है, जगजगा रही है। और ये है पूरा तमरा, ऊपर वाला तमरे का ये, नीचे वाले तमरे का ये। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम वेलकम वेलकम। रात को भाई क्या बताऊँ, एक छोटी सी पार्टी हो गई थी अकेले वाली, इसलिए सो गया था, ब्लॉग एंड करना था लेकिन रात को ब्लॉग एंड नहीं कर पाया। सो गुड मॉर्निंग डायरेक्ट फ्रॉम जिम है बाबू, और जिम दिखाता हूँ आपको पहले। सो यहाँ पे ये ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, और ये फ्लैट बेंचेस, और सारी मशीनें, चेस्ट प्रेस और पैरेलल बार, ये सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। बस जहाँ पे ये है ना जिम, वो बड़ी ख़ास बात है, बड़ा एस्थेटिक सा लग रहा है ये। और अभी जस्ट वर्कआउट फिनिश किया है, हाँ, एंड ब्रेकफास्ट की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत ठंडा पानी है भाई, ठंडा पानी नहीं पीना था, इसको मिक्स किया जाए। इतना ठंडा पानी कौन पिएगा ब्रो। और करता रहूँगा। और बताओ कैसे हो यार, निमराना अच्छी जगह है, यहाँ पे लाइट शो होते हैं, और कार के साथ आपको जैसे फ़ोटो क्लिक करानी है तो वो चार्जेबल है 500 रुपये, और कैमल राइड भी आपको यहाँ पे मिल जाती है 1000 या 1500 ऑलमोस्ट। तो आपको पूरी राजस्थानी वाइब मिलेगी, दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर निमराना फोर्ट में, और सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पे करने को मिलेगी। और यहाँ पे वेडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग। कल भी एक फंक्शन हो रहा था इसलिए मैं आपको नीचे का शो नहीं दिखा पाया, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता और शोर बहुत ज़्यादा था। सो वर्कआउट फिनिश है अभी, और चलते हैं ब्रेकफास्ट की ओर। सो मॉर्निंग व्यू ऐसा है कुछ, और अभी सफाइयाँ चल रही हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। जिम एंड स्पा। और यहाँ पे 200 रुपए की पानी की बोतल है बाबू, 1 लीटर पानी की बोतल है, इसमें विटामिन 12 हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। और ब्रेकफास्ट हो रहा है सामने, तो वहाँ चलते हैं। अब बंदरों ने देखना रात को क्या कर दिया, कमाल कर दिया। सो एक बार बात कर लेते हैं रूम की भी, और रूम के अकॉर्डिंग अगर ये 28-29 का पड़ा है मुझे, तो मेरे हिसाब से इसकी उतनी वर्थ नहीं है, मतलब
ठीक है, विंटेज फील मिल रही है, मज़ा आ रहा है, लेकिन उतनी फील नहीं है, बट बहुत एक्सपेंसिव है, 40,000 रुपये एक दिन का खर्चा। बट कोई बात नहीं, अपने ऊपर भी करना बहुत ज़रूरी है, और अब ब्रेकफास्ट करने चलते हैं यार, बार बार ब्रेकफास्ट के लिए बोले जा रहा हूँ, जा नहीं रहा मैं। सो ये ब्रेकफास्ट एरिया है, बाकी ये पूरा ब्रेकफास्ट जोन एरिया है। सो बाबू ये खास तरीके की बेंच है, अगर आपको इस तरफ देखना है तो ये ऐसे ही रहेगा, और इस तरफ देखना है और यहाँ पे फिर समझ रहे हो ना, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कभी ऊपर की तरफ कर सकते हैं, कभी नीचे की तरफ कर सकते हैं, और नो एंट्री फॉर नॉन रेजिडेंट्स। और अपना टॉप पे है, पूरा टॉप पे, बाकी धूप हो गई है, ब्रेकफास्ट हो गया है, ऐसा सा ये वो है माहौल, और अभी भंडारा करके आए हम, वो सब कुछ डन है, पैकिंग हो गई है, और यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ। एक चीज़ यहाँ पे मेरे को सही नहीं लगी, वो इनके बॉडी वॉश लोशन, वैसे तो मैं अपने लेके आया था, लेकिन मैंने सोचा कि इनके भी ट्राई करूँ, वो बहुत ही बकवास है, घटिया है, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है यार, इतने महंगे शीला के महल में रुकने के बाद अगर आपको ये सारी सुविधाएं में कमियां दिखें तो मज़ा ख़राब हो जाता है बाबू। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बाहर मैं ज़्यादा घूमूंगा नहीं, मेन यही है, बाकी तो यहाँ की लोकल मार्केटें हैं, अगर आपको जाना तो चले जाना साइड में, फलूदा, काजू शेक, बर्गर, चौमिन, टिंकी, ये सब मिलता है, तो बस यही सब कुछ है। और यहाँ पे देखो वाइब तो है, ब्रेकफास्ट कर रहा था, 45 कपल साथ में थे, गिन लिए थे मैंने, और सारे शादीशुदा थे, बाकी झूला झूल रहा हूँ मैं। फाइनली चेकआउट करने का टाइम आ चुका है, एंड टाइम टू से बाय टू दिस निमराना होटल, एंड स्टे वाज गुड, बहुत अच्छा था, वाइब अच्छी थी, बट जो थोड़ा बहुत लगा वो मैंने आपको बता ही दिया था, एंड देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग कहाँ का होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, सो डैट यू विल गेट माई नोटिफिकेशन, वीडियोस नोटिफिकेशन, एंड आपको ये भी पता चल जाए मैं कहाँ घूम रहा हूँ, किस शहर में हूँ, किस सिटी में हूँ। थैंक यू सो मच।